हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू रॉयल आईएएस एकेडमी। रॉयल आईएएस एकेडमी के इस नए वीडियो में मैं डॉक्टर विजय प्रताप शाही आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं जो गवर्नमेंट फॉर्म आपके लिए लेके आया हूं, गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी जो आई हुई है वो उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यूपी टीईटी की 2021 के लिए ऑनलाइन फॉर्म आप सभी के लिए अवेलेबल है। एग्जामिनेशन की जो इम्पोर्टेंट डेट है और उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। टीईटी की इम्पोर्टेंट डेट जो है, एप्लीकेशन जो है 7 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा आप सभी के पास। रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 25 अक्टूबर तक है। एग्जामिनेशन फीस लास्ट डेट जो है 26 अक्टूबर तक है और लास्ट डेट कंप्लीट फॉर्म करने का भी 27 तक है। एग्जाम डेट 28/11/2021 को रखा गया है और एडमिट कार्ड जो है वो 17 नवंबर तक आप सभी को अवेलेबल हो जाएगा। आंसर की भी आपको 2 दिसंबर तक अवेलेबल हो जाएगा और रिजल्ट जो डिक्लेरेशन है वो 28 दिसंबर तक डिक्लेरेशन हो जाएगा। एप्लीकेशन फीस जो है पेपर वन ओनली जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपीज रखी गई है, एससी एसटी के लिए 400 रुपीज रखी गई है, पीएस के लिए जो है 100 रुपीज रखी गई है, जूनियर प्राइमरी के लिए जो है फॉर बोथ पेपर के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 रुपीज है और एससी एसटी के लिए 800 रुपीज है, पीएच के लिए हैंडीकैप के लिए जो है 200 रुपीज फीस रखी गई है। एग्जामिनेशन फीस आप जो है थ्रू एसबीआई कलेक्ट फीस और जो है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू आप भर सकते हो और एसबीआई के ई चालान के थ्रू भी आप फीस पे कर सकते हैं। यूपी टीईटी एग्जाम के बारे में जूनियर जो है प्राइमरी 1 से 5 और जूनियर जो है 6 से लेकर 8 तक की एलिजिबिलिटी के लिए आइए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत लैंग्वेज में सभी यूपी टीईटी की अवेलेबिलिटी है। यूपी टीईटी प्राइमरी जो है बैचलर डिग्री आपको किसी भी स्ट्रीम से पास होना चाहिए और उसके लिए अपियर डीई एलईडी यानी फाइनल ईयर में एग्जाम में अपियर हो या बैचलर डिग्री आप किसी भी स्ट्रीम के साथ 50% मार्क्स के साथ, मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में, फिर बीएड डिग्री पास होना चाहिए या आप बैचलर डिग्री हो किसी भी स्ट्रीम के साथ 45% मार्क्स के साथ या मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में, फिर बीएड डिग्री पास हो या अपियर कैंडिडेट जो हो एज पर एनएसटीई नॉर्म के हिसाब से। 10+2 इंटरमीडिएट के लिए 50% मार्क्स है विद 4 ईयर्स बीएड बीईआईईडी के लिए है या बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में हो बीटीई उर्दू। मोर डिटेल के लिए आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हो। जूनियर लेवल एलिजिबिलिटी यूपी टीईटी के लिए बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री विद 50% मार्क्स, बीएड बीएड और बीएड स्पेशल एग्जाम पास होना चाहिए अपियर फाइनल ईयर में या बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री विद बीटीसी ट्रेनिंग 2 ईयर्स एग्जाम पास होना चाहिए। 10+2 इंटरमीडिएट या 50% मार्क्स के साथ या बीएड 4 ईयर्स कोर्स के साथ हो या 10+2 इंटर एग्जाम या 50% मार्क्स या बीएससी एग्जाम पास होना चाहिए, बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में 45% मार्क्स के साथ या मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो या बीएड डिग्री पास हो अपीयर हो एज पर एनसीटीई नॉर्म्स के हिसाब से। और ज्यादा डिटेल के लिए आप जो है नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। फॉर्म भरने का हमने वैसे ही मेथड बहुत ईजी है, आपको आना है हमारी वेबसाइट पर www.royalize.com क्लिक करना है और आप जैसे ही आते हो अनाउंसमेंट के सेक्शन में आपको आना है, वहाँ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हमने लिंक दे रखा है उस पर जैसे ही क्लिक आप करते हो हमारे इस पेज पर पहुंच जाते हो और यहाँ पर आप आकर के फॉर्म जो है यूपी टीईटी के फॉर्म पे क्लिक करोगे आप सीधे उस पेज पर पहुंच जाते हो जहाँ से अपने फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो। तो नेक्स्ट फॉर्म के लिए, नेक्स्ट वैकेंसी के लिए फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।